तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक नया जो इवेंट आया है मैक गर्ल का। तो कल की मैंने वीडियो डाली थी, क्या नाम था उस वीडियो का, हाँ, लैम्बोर्गिनी वर्सेस पिकअप ट्रक, वो भी वीडियो देख लो अगर देखनी हो तो आई बटन में, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला था पिछली वीडियो में, वो बताई थी मैंने कि टॉप व्हीकल इन फ्री फायर, तो बोल रहे लोग लैम्बोर्गिनी क्यों नहीं दिखाई। तो अब मैंने उसकी वीडियो डाल दी है लैम्बोर्गिनी वर्सेस पिकअप ट्रक, आई बटन में चेक कर लो। तो अब बात करते हैं मैक गर्ल की, कि ये मैक गर्ल का क्या इवेंट है, तो चलो इस पर क्लिक करते हैं क्या चीज़ है ये। और वीडियो को देखते रहो, अगर वीडियो में आप लोगों को अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो कर देना सब्सक्राइब चैनल को, ताकि आप लोग को और नई नई वीडियो मिलती रहे क्लैश पॉइंट की तरफ से। फ्री ड्रॉ, ओहो, तो सॉरी वीडियो के बीच में आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, पर मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि मैं अपने इंस्टाग्राम का प्लग मार रहा हूँ, मतलब कि प्रमोशन कर रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो प्लीज़, बहुत दिनों बाद कह रहा हूँ मैं, कहता नहीं वैसे, तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो आप लोग, और फेसबुक के पेज को लाइक कर दो, डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक है। तो कुछ ऐसा करके आ रहा, देखते क्या है। ओ माय गॉड, ओ भाई साहब, मुझे ड्रेस मिल गई, वाह, ओ भाई यार, ये तो इवेंट बढ़िया है, क्या चीज़ है वैसे ये, स्किप। अच्छा तो मैं आप लोगों को अब समझाता हूँ इवेंट में, थोड़ा समझ आया कि यहाँ पर मैं दो स्पिन दे रखी है, एक 50 डायमंड का है, दूसरा 250 डायमंड का, 50 वाला एक स्पिन है और 250 का 6 स्पिन है। भाई साहब मेरे पास इतने डायमंड है 250 पर, नहीं नहीं 250 नहीं है, कम है थोड़े उससे, पर मैं 50 वाली करूँगा। तो एक बार देख लेते हैं कितने दिनों तक का ही स्पिन करेंगे। तो ये है 24 से लेके, अरे शिट इवेंट हट गया, रुको रुको एक मिनट, पहले मैं स्क्वाड में चला जाऊँ फिर जाऊँगा इवेंट पर। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी इवेंट के बारे में, तो लो फिर से आ गया मैं। तो जैसे कि मुझे एक लड़की की ड्रेस मिली थी, अब देख लेते कब तक चलेगा इवेंट, और ये चलेगा 24 से लेके 2 तारीख तक, ठीक है, मतलब कि 24 मई से लेके 2 जून तक। और मैं पहले बता दूं आप लोग को कि यहाँ पर 2 स्पिन दे रखे हैं हमें, एक 50 डायमंड का, और एक दूसरा जो है वह 250 डायमंड का, ये तो करना मत, अगर है डायमंड तो उड़ा दो। और भी क्या लिखा हुआ, इवेंट ड्यूरिंग यू कैन गेट दी स्पिनिंग व्हील फॉर अ कॉस्ट्यूम पार्ट्स। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट्यूम के पार्ट्स कलेक्ट करने हैं, मतलब एक बार कॉस्ट्यूम मिलगी तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमें, जैसे देख सकते हो तो बाल जो है 3 बार ही लेने पड़ेंगे, और भी जितनी भी, मतलब जितनी बार दिखा रखा है इन्होंने उतनी बार लेना पड़ेगा, और जो छाती की ड्रेस है वो 4 बार लेनी पड़ेगी, और वो जो जीन्स है उसकी जो भी मतलब नीचे पहनते हैं पजामा से जो भी कहते हैं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, वो भी 3 बार लेने पड़ेंगे, और शूज़ भी जो है स्पिन कर करके 2 बार ही लेने पड़ेंगे, जो भी आप लोग क्लेम कर पाओगे, और फिर जाके आप लोग को मिलेगा ये। तो जो आप लोगों को मिल रहा है उसको हम फ्रेगमेंट कहेंगे, ठीक है, मान लो अभी जूता एक बार मिला तो वो एक फ्रेगमेंट है। तो देख सकते हो मुझे अभी एक लड़की की चेस्ट मिली है, मतलब जो चेस्ट के कपड़े हैं, ठीक है ना। तो ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि 50 डायमंड एक स्पिन है, और 250 का 6 स्पिन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ट्रेड भी कर सकते हो, ट्रेड का ऑप्शन देख सकते हो ये, यहाँ पर आप लोग को अपना कोड जो है ग्रांट करना पड़ेगा, तो ग्रांट करने के लिए आप लोग को कोई सा भी चूज़ कर लेना है, मतलब जोन्स का कुछ ही है दोनों में से, सैंड और एक्सचेंज में से, कि आप लोग को जब जब दूसरा बंदा अपने रिक्वेस्ट कोड में आपका कोड डालेगा तो उसको मिलेगा क्या, और आपको एक्सचेंज में क्या मिलेगा, तो उसको क्या देना है, आपको आपको खुद को क्या लेना है वो सिलेक्ट कर लेना, या तो अपने दोस्त से पूछ लेना। तो देख सकते हो ये मेरा कोड जो है हो चुका है इन्विटेशन का, इसको हम कर लेंगे कॉपी, और फिर जब आप क्यों अपने दोस्त को बोलना है या फिर किसी भी टीममेट को बोल देना, जल्दी से जल्दी रिक्वेस्ट में जाए, रिसीव रिक्वेस्ट में, और यहाँ पे जाके वो आपका कोड डाल दे, ठीक है ना। यहाँ पे जाके आप लोग को उसका मतलब कोड, उसको कहता है आपका कोड डालना पड़ेगा जब जाके बात बनेगी, और फिर आपने जो उसको सेंड कर सेंड पे ऊपर क्लिक करा होगा उसको वो मिल जाएगा, और आपको एक्सचेंज करा हुआ मिल जाएगा, तो उससे आप लोग को एक और फ्रेगमेंट मिल जाएगा। तो देख सकते हो अभी मैं तो नहीं कर सकता यूज़, कैन नॉट यूज़ ऑन इन्विटेशन कोड, ठीक है ना। तो आप लोग को इन्विटेशन कोड कलेक्ट करने पड़ेंगे, पहले मुझे समझ नहीं आया था, मैंने बोल दिया था वीडियो में जैसे, अब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ उस पर, क्योंकि भाई गलत चीज़ नहीं बता सकते ना, वरना तो पब्लिक हालत ख़राब कर देगी। तो ये चीज़ थी है। तो आई होप आप लोग को ये इवेंट पसंद समझ आ गया होगा भाई, पर मुझे ये इवेंट पसंद नहीं आया, समझता आगे पर पसंद नहीं आया मुझे ये इवेंट, क्योंकि यार इतने मतलब फ्रेगमेंट वेगमेंट कलेक्ट करने पड़ेंगे जब जाकर मिलेगा। हाँ अगर पेट फूड चाहिए तो ले सकते हो, ये तो फिर से स्पिन कर लेता हूँ, स्पिन होगी क्या, नहीं बच गया, मेरे डायमंड चले जाते। और भी क्या लिख रखा है, यू विल गेट अ फ्री चांस टू प्ले व्हेन यू एंटर, हाँ
तो जब भी आप लोग पहली बार इसमें आओगे इवेंट में, तो आप लोग को एक स्पिन जो है फ्री में मिलेगा। और ये कबूतर जो है इसी पे चढ़ रहा है, पता नहीं क्या दिमाग खराब कर रहा है, मारूंगा तुझे बहुत आके होके। तो ऐसे ही इवेंट, तो और कुछ तो नहीं है इस इवेंट में, बस यही था इवेंट। आई होप आप लोग को इवेंट समझ आ गया होगा, और नहीं समझ आया तो कमेंट में पूछ सकते हो, कुछ भी ऐसे देख सकते हो आप लोग, ऐसे ग्रांट कर सकते हो। सैंड वाला वो है जब आप लोगों को ग्रांट करना होगा। हाँ, एक और बात बताना भूल गया, अगर आप लोग को ग्रांट इन्विटेशन कोड करना, तो उसके लिए आप लोगों को 15 डायमंड यूज़ करने पड़ेंगे। तो आप लोग ऐड देख देख के आप लोग डायमंड तो कलेक्ट कर ही सकते हो। और इवेंट बता ही दिया 24 से लेकर 6 मई तक चलेगा। और अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप लोग इनके कस्टमर केयर पर भी जा सकते हो सेटिंग क्लिक करके। द ट्रेड कैन नॉट बी कम्प्लीट। और जाने से पहले आप लोग मुझे यार फॉलो कर लो प्लीज़, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। अगर आप लोग को वीडियो के अपडेट्स किया पहले, मैं स्टोरी थोड़ी डालता रहता हूँ, फेसबुक की लिंक मैं अभी डाल दूँगा थोड़ी देर में डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख लेना। और इंस्टाग्राम की तो रहती है हमेशा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आप लोग हमारी वीडियो सबसे पहले ले देख सको। ठीक है, तो चलो मिलता है अगली वीडियो में, तक ले बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living on my